हाँ सर बताइए सर। जैसा कि बहुत पुरातन बस्ती है ये गंगा जमुना, और करीबन इसको 250-300 साल पुरानी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है उसमें। ये आगे यानी गोंड राज्य को गंद भी यहाँ ऊँची छोटी सी झोपियाँ थी। उसके बाद ये बस्ती उस वक्त अगर आप इतिहास देखा जाएंगे तो बड़े बड़े महाभारत से लेकर हर ठिकान में देवदासी करके इन लोगों का उल्लेख तो हमेशा होता ही था। और इनके सैन्य होती थी, जो फौज होती थी, ये फौज बाहर से आने वाले लोग रहते थे इसमें, इनके परिवार यहाँ नहीं रहते थे, उस हिसाब से ये बस्तियाँ हुआ करती थी। ये बस्ती नागपुर में पहले से थी, पर इसका बड़ा स्वरूप जो आया है वो 1770-75 के इसमें हम कह सकते हैं। ये जो देवदासी, मैं तो इनको देवदासी बोलता हूँ, ये लोग वेशा वगैरह बोलते हो, वो अभ्रंश है शब्द का, वो ये वारांगना देवदासी, ये हमारे जगन्नाथ जी की भक्त है। और उनकी भक्त होने के कारण ये हर साल जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाते थे। और वहाँ की एक जगन्नाथपुरी की एक परंपरा है कि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो 12 साल बाद बदली जाती है। तो उस जमाने 1770 के जमाने में हमारे जो पूर्वज थे खंडोजी राजे उर्फ चिन्ना बाबू, खंडोजी राजे ब्रैकेट में उर्फ चिन्ना बाबू, ये चिन्ना बाबू टाइटल ही बंगाल वालों ने दिया है उनको, चिन्ना बापू बोलते थे। चिन्ना मीन जो चिड़िया होती है ना, हाँ हाँ हाँ, उसका नर जो होता है उसको बंगाली लोग चिन्ना बोलते हैं। हाँ हाँ चिन्ना, तो ये 6 बार बंगाल को इन्होंने हमला किया है, बंगाल को हराया है, तो हाँ। ये चिड़िया जैसे आते और निकल जाते करके चिन्ना बापू ये इनको कहा। अच्छा 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 हाँ। और ये ओडिशा के मंदिर का जीर्णोद्धार नागपुर के भोसले पहले रघुजी महाराज ने करवाया था, ओडिशा के अधीन था, ये मूर्तियां भी लोगों ने छुपा डाले थे। अच्छा, इसको वापस अपने हिंदू इसमें अधीन करके उनको मुगलों को हरा के उसको उसका उन्होंने वहाँ जीर्णोद्धार किया, रथ यात्रा फिर से शुरू की। ये किसने किया था? रघु जी के पीरियड में हुआ। और वहाँ जो अन्न छत्र चलता है, जो हांडे रहते हैं हाँ। ऊपर एक उसका भी उस वक्त उन्होंने उसके लिए कुछ 14-14.5 लाख रुपए का उस वक्त वहाँ ये करके वो आज तक विरह सब चल रहा है। तो उसके कालांतर में जो चिन्ना बाबू जो बंगाल की लड़ाई में जब जाते थे, तो जब ये मूर्ति 12 साल बाद नई मूर्ति बनाने के लिए स्थापना के वक्त इनको वहाँ आमंत्रित किया गया था। कौन, किनको? चिन्ना बाबू। हाँ, चिन्ना बाबू को। ये भी ये नई मूर्ति स्थापन हो रही, तो आप जाते जाते यहाँ। कब की बात है सर ये? 1770-75 के करीब। अच्छा, तब यहाँ की जो भी देवदासियाँ होंगी वो वहाँ दर्शन को जाती है, पहले से परंपरा होंगी उनकी। उन्होंने देखा जब नागपुर की राजा सब यहाँ आए, उन्होंने उनसे निवेदन किए कि हमको हर बार यहाँ आना, अच्छा कुछ जमता नहीं है, तो ये जो मूर्ति बदल रही है, बदली हुई मूर्ति हमको अगर देंगे तो हम नागपुर में उसको स्थापित करें। अच्छा। हाँ, और वहाँ मूर्तियाँ देने की ज़्यादा परंपरा नहीं, पुरानी मूर्ति ऐसी देते नहीं, विडम्बना नहीं होना चाहिए, पर खंडोजी महाराज के कहने पर चिन्ना बापू से वो मूर्तियाँ यहाँ दी गई। और अपने वहीं पे आज ये बालाजी मंदिर करके वहाँ पे है, ये गंगा यमुना एरिया में, आज रोड बड़ा हुआ तो रोड भी आगे है। ये बालाजी मंदिर की स्थापना यानी उन वीरांगना के कारण या उन देवदासियों के भक्ति के कारण वो उनको दिए गए। और इनकी स्थापना करने के लिए हमारे फौज में देवाजी पंत चोरगढ़े जी थे, पंचोरगढ़े एक अच्छा सीनियर आप बोलते हैं फौज में। हाँ, तो उनको महाराज ने आदेश दिया कि ये वारांगना, ये देवदासिया है, ये वहाँ जाके मूर्ति रखेंगी, तो इनके मंदिर की इनको निर्मित करके दे। तो मंदिर बनवाने का काम देवाजी पंचोरगढ़े की तरफ महाराज ने उसको दिया। देवाजी पंत? हाँ, देवाजी पंचोरगढ़े। अच्छा, उन्होंने मंदिर वहाँ बालाजी का बनवाया महाराज के आदेश से, महाराज के खर्चे से। और तब से वो वहाँ मूर्तियाँ है, वो बालाजी की ओरिजिनल निकाली हुई मूर्तियाँ वहाँ है, जगन्नाथ जी की। हाँ, जगन्नाथ जी की, उनको हम बालाजी बोलते हैं। सही में है कैसा ओरिजिनल मूर्ति? हम तो हम भी बहुत मानते हैं
हम जैसे बंगाल में बचपन में पैदा हुए तो पूरी आना जाना करते, वो ओरिजिनल है क्या वहाँ? वहाँ जो 12 साल बाद बदलती है ना, हाँ हाँ, वो जो बदली हुई मूर्ति जो है वही मूर्ति है नहीं है? अच्छा अच्छा, 12 साल इनकी पूजा वहाँ हुई है, उसके बाद यहाँ वही। अच्छा अच्छा, वो जो मूर्ति चेंज कर रहे थे नया मूर्ति लगाने के बाद, नया मूर्ति वहाँ लगी, जो चेंज हुई मूर्ति इन्होंने मंगे, अरे इनको दिए, अरे वो ये तो ऐसी मंदिर की मूर्तियाँ दी नहीं जाती। राइट 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 राइट, इनको दिए महाराज। अच्छा, महाराज जी तब वहाँ के पावर में, मतलब उनके डोमिनेशन मंदिर को वापस जीर्णोद्धार करके उसका सब करके उसको खर्चा बांध के देने से लेकर सब नागपुर के भोसलों ने वापस किया ना। अच्छा, नागपुर आज भी वो मंदिर का इतिहास भी लिखा है वहाँ, अगर गाइड आपको बताएंगे तो गाइड आपको सब बताता है हिस्ट्री। अच्छा अच्छा, बापरे। मंदिर की उनको मुगल से निकाले है, बन पड़ी थी जगन्नाथ यात्रा, उसको वापस नागपुर के भोसले ने शुरू किया है, बन करी बन पड़ गई थी ना। हाँ, या, 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 तो वो कौन शुरू और सब अपन ने किया, राघुजी भोसले ने फर्स्ट, राघुजी भोसले थी फर्स्ट। हाँ राइट सर, 1970-75 के बीच की आप इतिहास बता रहे हैं। 1770-1775 के बीच की इतिहास है। ये तो मंदिर तो पहले ही ये कर दिए उन्होंने। अच्छा, राघु जी भोसले फर्स्ट का उन्होंने कब निकाल दिया? राघु जी भोसले फर्स्ट ने तो करीबन 1600-1700 के करीबन है। अच्छा अच्छा, हाँ उसके भी पहले भाई के लड़के ने, उनके नतीजे। अच्छा अच्छा, ये जो राघु जी का भाई के लड़के, ये भी बहुत, इन्होंने 6 बार बंगाल को ये किया है। ब्लैक मैजिक वगैरह के उसको खत्म करने का मेन काम इन्होंने किया है, ये जिनका नाम आपको बताया, खंडू जी महाराज चिन्नाभा, ये है इनकी भाई का लड़का। भाई बोले तो भाई का क्या नाम है सर? इन्हीं का पकड़ो ना, इन्हीं के इसमें पकड़े, इनका ये बताइए ना, इनके क्या बोलते हैं, भतीजे, भतीजे हाँ, उनके नेफ्यू खंडू जी भोसले चिमना बापू। तो ये 1770-75 में ये मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। हाँ, अब जब ये देवदासी बैरंगने लाई हुई मूर्ति है तो इनका अस्तित्व कम से कम वहाँ से तो पकड़ा ही जाएगा। हाँ हाँ, 1750 पकड़ो तो 1750 से इधर के दशक में पकड़े हैं, कितने साल हो गए, 200 साल के ऊपर हो गई इनकी अस्थित। अब 200 साल पहले से इनका वहाँ अस्तित्व है, इनकी बस्ती है। एक ज़माने में वहाँ लोग जाते थे, आज रोड वाइंडिंग हो गया, जो नागपुर के सेंटर में आ गया, तो अभी वहाँ बिल्डर्स और सबकी नज़र पड़ गई उसके। हाँ हाँ, और उसके कारण ये सब हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। लोग उठाव क्यों कर रहे भाई, जब आपको मालूम था वो बस्ती वहाँ पे है, वो बस्ती वहाँ रहने वाला, आपने खरीदा क्यों मकान, क्यों जगह खरीदा, यानी उनके इस पे अतिक्रमण एक प्रकार से आपने किया, ऐसा बोल सकते हैं उसको। सर एक मुझे कल मुझे ये भी मालूम पड़ रहा था,